सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपनी स्किल देखिए, अपनी एजुकेशन देखिए कि आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल कितनी है, कितनी पढ़ाई आपने कर रखी है। उसके थ्रू आप इन पांच तरीकों को अप्लाई कीजिए। सबसे पहला तरीका है डिप्लोमा डिग्री प्लेसमेंट, यानी कि आप किसी कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हो। कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, वो बी फार्मा हो सकता है, पॉलिटेक्निक हो सकती है, वो आईटीआई हो सकती है, एनी अदर कोई भी डिप्लोमा वो हो सकता है, जिसके थ्रू आपको कॉलेज ही प्लेसमेंट दिलवाएगा। जो कंसल्टेंसी बड़े बड़े शहरों में खुली हुई है, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में, हर जगह कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगी। उनकी ऑनलाइन भी साइट होती है, आप उन साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों पांचवे तरीके के बारे में बात करूं तो पांचवा तरीका है गूगल सोर्स। आज के टाइम में गूगल सोर्स बहुत बड़ी सोर्स है। यूट्यूब गूगल की, प्ले स्टोर गूगल का, मैप गूगल का, तो गूगल पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला एक सोर्स है, एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नायाब पांच तरीके बताऊंगा जॉब पाने के लिए, जिनको फॉलो करके आप अच्छी सैलरी वाली जॉब, अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब पा सकते हो। आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप जॉब पा सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर वीडियो आप एंड तक नहीं देख सकते तो अभी से स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि पता नहीं ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपको जॉब मिल जाए इन पांच तरीकों में से। तो ऐसे तरीके, ऐसे पांच वे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपनी स्किल देखिए, अपनी एजुकेशन देखिए कि आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल कितनी है, कितनी पढ़ाई आपने कर रखी है। उसके थ्रू आप इन पांच तरीकों को अप्लाई कीजिए कि अगर आपने 12th पास की हुई है तो इन पांच तरीकों में से आपको किस तरीके से जॉब मिल सकती है। आपने अगर डिग्री की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपको कौन से रास्ते में, कौन से सेक्टर में जॉब मिल सकती है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको कौन से फील्ड में जॉब मिल सकती है। अगर आपने आईटी सेक्टर को चुना है तो आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और इन तरीकों को कैसे फॉलो करना पड़ेगा, वो भी आप इस वीडियो में जान सकते हो। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, तभी आप कुछ समझ सकोगे, कुछ सीख पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तरीके की ओर चलते हैं। सबसे पहला तरीका है डिप्लोमा डिग्री प्लेसमेंट, यानी कि आप किसी कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हो। कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, वो बी फार्मा हो सकता है, पॉलिटेक्निक हो सकती है, वो आईटीआई हो सकती है, एनी अदर कोई भी डिप्लोमा वो हो सकता है, जिसके थ्रू आपको कॉलेज ही प्लेसमेंट दिलवाएगा। डिग्री आगे आया था, डिग्री आपकी कोई ऐसी डिग्री भी हो सकती है जिसके थ्रू आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मेडिकल सेक्टर में होता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी किसी भी हॉस्पिटल में। तो ऐसी ही बहुत सारी डिग्रियां होती है, बीटेक होती है, बीएड होती है, जिनके थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी। हालांकि ये डिग्री करने के बाद आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आप कर लेते हो तो और भी अच्छी आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो आपको कोई भी डिप्लोमा, आप 10th के बाद कोई डिप्लोमा कर लीजिए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो तो आप सीपैट का कोर्स कर सकते हो, कोई डिग्री कर लीजिए, उससे आपको कॉलेज ही प्लेसमेंट दिलवा देगा। तो सबसे पहला, सबसे नायाब तरीका, सबसे आसान तरीका तो यही है, डिप्लोमा करने के बाद आपको कॉलेज प्लेसमेंट दिलवा दे। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी कॉलेज प्लेसमेंट दिलवाता है, आप कंपनी में जाते हो, किसी भी सेक्टर में जाते हो, वहां पर आप जॉब करते हो, कुछ दिन जॉब करोगे आप, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, आपको ऐसा लगेगा कि इससे खराब काम कोई है ही नहीं। तो आपको वहां पर टिक के काम करना है, रुक के काम करना है, आपको वहां पर टाइम बिताना है। जितना आप टाइम बिताओगे, जितना आप सीखते जाओगे, आप अलग कंपनी में जाकर उससे अच्छी सैलरी पा सकते हो, लेकिन वहां पर भी सैलरी आपको अच्छी तब मिलेगी, पोस्ट अच्छी तब मिलेगी जब आप पिछली कंपनी से अच्छे तरीके से सीख के कुछ जाओगे। तो पहला तरीका तो हो गया हमारा डिप्लोमा डिग्री प्लेसमेंट, कॉलेज के थ्रू जो प्लेसमेंट मिलता है डिग्री डिप्लोमा के थ्रू। नेक्स्ट आता है रिलेशन सपोर्ट। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके पिताजी किसी स्कूल में टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, तो आप उनकी सपोर्ट से उसी कॉलेज में जॉब पा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके पिताजी की पहचान केवल उसी कॉलेज में है, उसी स्कूल में है, नहीं, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज होंगे, ऐसे भी स्कूल होंगे जिन कॉलेजों में, जिन स्कूलों में उनके फ्रेंड काम करते होंगे, तो आप अपने पापा के थ्रू भी जॉब पा सकते हो। ये होता है रिलेशन सपोर्ट, अपने मामा जी के थ्रू, अपने फूफा जी के थ्रू, अपने बड़े भाई के थ्रू। अगर आपके बड़े भाई, आपके मामा, आपके फूफा, आपके जीजू कोई भी
किसी भी सेक्टर में काम करता है तो आप उनसे कहिए कि मैंने ये वाला डिप्लोमा किया हुआ है, इतनी मेरी एजुकेशन है, आप मुझे प्लीज कहीं जॉब दिलवाइए। तो ये होता है रिलेशन सपोर्ट। रिलेशन सपोर्ट के थ्रू आप जॉब पा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट तरीके के और नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ये है कंसल्टेंसी। दोस्तों ये आजकल बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही फेमस है। कंसल्टेंसी क्या होता है? कंसल्टेंसी दोस्तों बीच का काम करती है। एक तरफ होता है एम्प्लॉय, एक तरफ होती है कंपनी, यानी कि जो जॉब देगी, कंपनी हो या कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, कोई भी हो। एक तरफ एम्प्लॉय हो गया, वर्कर हो गया, दूसरी तरफ कंपनी हो गई, और बीच में रहती है कंसल्टेंसी, यानी कि वर्कर को और कंपनी को जो मिलाने का काम करती है वो करती है कंसल्टेंसी। आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो? दोस्तों इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो कंसल्टेंसी बड़े बड़े शहरों में खुली हुई है, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में, हर जगह कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगी। उनकी ऑनलाइन भी साइट होती है, आप उन साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। देखिए क्या होता है दोस्तों, कंसल्टेंसी वाले आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, उसमें आपका पूरा बायोडाटा होगा, पूरी क्वालिफिकेशन होगी, सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा। एक तरफ से कंपनी वालों से भी वो डाटा रखते हैं कि आपकी कंपनी में कौन से सेक्टर में और कौन से डिपार्टमेंट में कितनी जॉब है, आपको उन जॉब के लिए, उन पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन वाला वर्कर चाहिए। उधर से तो वो कंपनी से सारा डाटा ले लेते हैं और इधर से वो वर्कर से सारा डाटा ले लेते हैं। उन दोनों के डाटा को मैच करके फिर आपके लिए कौन सी पोस्ट हायर हो सकती है, आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, वो आपको कंसल्टेंसी वाले सजेस्ट करेंगे और आपको कंपनी से मिलवाएंगे, कंपनी में आपका इंटरव्यू करवाएंगे। अब दोस्तों कोई भी संस्था बिना किसी लालच के काम नहीं करेगी। तो यहां पर बात आती है, यहां पर सवाल आता है कि कंसल्टेंसी को क्या फायदा होता है कि वो आपको जॉब दिलवा रही है, आपको घर बैठे जॉब दिलवा रही है। तो दोस्तों वो आपसे कुछ चीजें तय करती है, यानी कि जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू पास हो गया और आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो आपसे वो बात करेगी कि जब भी आपकी पहली सैलरी आएगी आप उसमें से हाफ सैलरी हमको दोगे। यानी कि आपको अगर मान लिया 20,000 रुपए सैलरी पहली मिलने वाली है, तो उसमें से पहली सैलरी में से आप 10,000 रुपए कंसल्टेंसी वालों को दोगे, तभी तो उनका फायदा होगा। वरना आपको जॉब दिलवा देंगे, उनका क्या फायदा? उनका रेंट जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में बहुत बहुत रेंट जाता है उनका, पूरी टीम बैठती है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो उनका क्या फायदा? उनका यही फायदा है कि जब वो जॉब दिलवाते हैं किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को, तो वो उससे हाफ सैलरी लेते हैं, यही उनका कमाई का साधन है। तो दोस्तों तीसरे नंबर के बारे में भी मैंने बात कर दी, अब आते हैं फोर्थ नंबर के बारे में। ये होता है ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन अप्लाई। दोस्तों जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में होता है, जब भी कोई फॉर्म निकलता है वो ऑनलाइन निकलता है, आप ऑनलाइन उसको फिल करोगे, उसका एग्जाम होगा, फिर उसका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हो तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, आप उनकी ऑनलाइन साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड हो गए, टाटा का ब्रांड हो गया और मिंडा कंपनी हो गई, मदरसन कंपनी हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनका ऑनलाइन वेबसाइट पर बहुत बहुत डाटा पड़ा हुआ है। वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि उनको कितने इम्प्लॉई चाहिए काम करने के लिए, कितने वर्कर चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, कितने एक्सपीरियंस वाले चाहिए, फ्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए, उनकी वेबसाइट पर सब कुछ पड़ा होता है, सब कुछ अपडेटेड होता है। तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक तरीका है जॉब पाने का। दोस्तों पांचवें तरीके के बारे में बात करूं तो पांचवा तरीका है गूगल सोर्स। आज के टाइम में गूगल सोर्स बहुत बड़ी सोर्स है। YouTube गूगल की, प्ले स्टोर गूगल का, मैप गूगल का, तो गूगल पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला एक सोर्स है, एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो जॉब पाने के लिए। गूगल पर कैसे सर्च करना है ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए दोस्तों आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के 10 कंपनियों के नाम याद हैं कि ये कंपनी फील्ड में काम करती है और किस तरीके का काम करती है, आप उस तरीके का काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई प्लास्टिक का सामान बनता है, आप उस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो आप उस कंपनी को गूगल पर सर्च कीजिए। गूगल पे सर्च करने के बाद आपको वहां पर कोई ना कोई डाटा मिल जाएगा, आपको एचआर का नंबर मिल जाएगा, कोई भी कॉन्टैक्ट आपको वहां पर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करने का सोर्स मिल जाएगा। तो आपको जो 10 कंपनियों के नाम पता है, आप उन 10 कंपनी को वन बाय वन करके गूगल पर सर्च कीजिए।
गूगल पर सर्च करके वहां से कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए। कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के बाद वहां पर कॉन्टैक्ट कीजिए, बात करिए उनसे कि सर ऐसे ऐसे मैंने ये वाली कोर्स किया हुआ है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, अगर मेरे लिए आपकी कंपनी में कोई जॉब है तो प्लीज मुझे बताइए। तो ये गूगल सोर्स के थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप पकोड़े बेचो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सॉरी। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो ये भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि हमें अगर जॉब नहीं मिल रही, हम कामयाब नहीं हो रहे, तो हमारे लिए ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सोच रखा है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप डाल सकते हो, यानी कि आप अपनी एक छोटी सी दुकान कर सकते हो, अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं भी आप अपनी एक दुकान कर सकते हो। जिस सेक्टर में आपको नॉलेज हो आप उस सेक्टर की दुकान कर सकते हो। यानी कि अगर आपको परचून, किराना, ग्रोसरी का सामान का एक्सपीरियंस है, कहां से आता है, कितने का आता है, कहां पर बेच सकते हैं, आप उसकी दुकान कर सकते हो। आप प्लास्टिक के सामान की दुकान कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप अपना स्टार्टअप डाल सकते हो। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको उस चीज में नॉलेज है तो आप उस फील्ड में जाइए, वरना नहीं, आप जॉब सर्च करते रहिए, एक ना एक दिन आपको जॉब मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर इसमें से कोई पॉइंट मैंने आपको छोड़ दिया है, इन 5 पॉइंट के बाहर भी कोई पॉइंट ऐसा है जिससे आप जॉब पा सकते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में इन पॉइंट के साथ वो वाला पॉइंट भी ऐड करके बता सकूं। मैं उस वीडियो में आपका नाम भी लूंगा कि इस बंदे ने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया है वीडियो में बताने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अब आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए टेक्निकल फादर और पेज ओपन कीजिए। पेज ओपन करने के बाद हमको फॉलो कीजिए, वहां पर आपको टेक्निकल वीडियो, लो वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो, बहुत सारा कंटेंट वहां पर अवेलेबल होने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी फेसबुक पर जाइए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमसे जुड़ जाइए।